दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। भाई ये मुहावरा तो गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ दाना कोई भी हो पर खाने पर बस एक ही का नाम लिखा हुआ है। लेकिन आज अर्चना को एक कांटे की टक्कर देने आ गए हैं एक पंडित जी। अपना तो छोड़ो, कौए का भी खाना खा गए। सो प्लीज वेलकम हमारी लीडर जोड़ी भारती एज विधवा पत्नी एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। इतना रोई की तबीयत खराब हो गई। सोहेल जी ये क्या है यार, मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ, हे भगवान ये क्यों बनाया मुझे इतना सेक्सी, क्यों बनाया पता नहीं क्यों बनाया मुझे इतना सेक्सी कि लोग फ्री में जजमेंट करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बस आप शादीशुदा है ना, आप क्या समझते कि आप मेरे पीछे पीछे यहाँ आ जाएंगे तो मैं आपके साथ आपके घर चल पड़ूंगी? नहीं, होटल ही ठीक रहेगा। लेकिन आज नहीं प्लीज, कल। मैंने एक पंडित को खाने पे बुलाया है। दिलीप का यही घर है? हाँ, यही घर है। छोड़िए मुझे, आप एक अबला की नारी के साथ क्या कर रहे हैं? मेरे पति मर चुके हैं। अच्छी तरह पकड़ो ना, छोड़ो मुझे। मजा ही आ गया था, छोड़ो मुझे। फटाफट केक काटो, चलो। केक? हाँ। तूने क्या शादी में बुलाया है? मेरे पति की मौत बर्थडे वाले दिन ही हुई थी। ए जरा बर्थडे का म्यूजिक दो। बजाओ बजाओ भाई, तेरे को पैसे मिलते ना सिलेंडर, बजा थोड़ा तू। अरे एक केक तो पूरा फीका है, मीठा कुछ भी नहीं है। साले मेरा पति मर गया, तुझे मुंह मीठा करना है? अबे तूने तो कहा था कि केक खा, कुछ खाना तो दो खाने को। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पक्का ना? एकदम पक्का। छोड़ो मुझे। पंडित होकर ऐसी हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कौन पंडित, मैं कुछ पंडित पीड़ित नहीं हूँ। अरे मेरे खुद के बीवी बच्चे बाढ़ में भय गए और 3 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। चल निकल यहाँ से। कुछ तो दे दो। निकल यहाँ से। स्टार्टर्स तो दे दो। साले निकल यहाँ से। यही होता है एक सेक्सी विधवा के साथ, हर कोई बुरी नजरें डालने आ जाता। क्या करूं मैं, एक तो ये सेक्सी जवानी, ऊपर से ये तन्हाई, किसी को मना भी नहीं किया जाता। पता क्यों देखते मुझे ऐसे सोहेल जी? क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। आपको पता है ना भाई क्या होता है? पता है तो अपने भाई की शादी मुझसे क्यों नहीं करवाते? चलिए खैर, वो जाने दीजिए। किसी ने कहा है कि पंडित को चाहे ना खिलाओ, कौए को जरूर खिलाना चाहिए। ये अब कौआ कहाँ से ढूंढूं? अरे हमारी तो छत पे बैठता है, अभी बुलाती उसको। आओ आओ आओ। कौन रे, कबूतर की स्टाइल में कौए को बुलाना लाए, कौन कौन है वो? अरे तेरे को मालूम नहीं मेरे को डिस्टर्ब क्यों किया? मैं सीरियल देख रहा था ना। सीरियल? हाँ। कौन सा सीरियल? क्रो की सास भी कभी बहू थी। कौए ऐसे सीरियल तो आते रहते हैं। आज मैंने तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लो। अबे मेरे को नहीं तेरे को खाना खाना, पहले तो कंकर मार के घर से उठाती है और खाना खिला रही है, और मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है। अबे तू कहीं मेरा कौवा बिरयानी करके खाई तो? तुम एक अबला नारी के साथ। अबे चुप, अबला तबला तबला तबला, तेरी नस नस से वाकिफ हूँ मैं, समझी ना? भगवान झूठ ना बोला, झूठ बोले कौवा काटे। सोहेल जी इसके घर में कौन कौन आता अपन झांकता है मालूम? बताओ बताओ। क्या वो वॉचमैन, वो पेपर वाला, वो दूध वाला, वो सोहेल लाला, ये तबला वाला। चुप कर, कौवा होके ऐसी वलकर बात करता है, अगर दोबारा ऐसी बात की ना तो छोड़ूंगी नहीं तेरे को। सच्ची? हाँ। क्या मेरा प्रॉब्लम ही है? क्या अर्चनी हैंडसम कौवा हूँ ना मैं? लड़कियां पीछे पड़ जाती है मेरी। अभी देखिए मैं ऐसा खड़ा हूँ ना, देखिए पीछे एक लड़की खड़ी है, अभी खड़ी है, देखिए। तो मेरा प्रॉब्लम ही है, क्या करूँ? दो मोरनी और कबूतरी कभी भी आ सकती है मालूम आपको, कभी भी। अरे तो
तू तो बड़ा टैलेंटेड है। मैडम उसको टैलेंट नहीं, उसको कैपेसिटी कहते हैं ना, कैपेसिटी। चल कैपेसिटी वैपेसिटी छोड़, इधर आ यार। तुम कौवे लोग सब एक जैसे होते हो, फिर अपनी वाइफ को कैसे पहचानते हो? अरे कर दी ना इंसानों वाली बात। अरे ये ऊंच नीच जात पात सब तुम लोगों में, कौवों में फिर एक ही स्टाइल होता है। हाँ। जो जरूरत में काम आए वही असली बीवी। क्या जरूरत में काम आया? हा? मतलब खाना बनाना, पंख दबाना, सेवा विवाह करना, ऐसा बोला मैं। ऐसा वैसा बोला मैं। खाना खा और निकल यहाँ से। चल ए, निकल क्या, निकल यहाँ से। मैं क्या कॉमेडी सर्कस के एंकर हूँ क्या, जो एक एपिसोड के बाद निकल जाए? अरे इधर पार्टिसिपेंट का एलिमिनेशन शुरू नहीं हुआ, एंकर का एलिमिनेशन शुरू कर दिया लोग ने। अरे वो पहली बार तो नई नई थी इसीलिए निकाल दिया। वो नई थी? हाँ। तो सोहेल भाई भी नहीं है ना, एकदम न्यू कमर। इसका मतलब सुहेल भी अगले एपिसोड में। चल रोना छोड़ दे, क्या मेनू क्या है पता मेरे। अरे बाहर में जाए तेरा मेनू। क्यों? अबे तेरा पति, अरे जो मर गया वो जर गया, जो सामने है उसे तो एंजॉय करवाऊं। चलते हैं क्या आज डेट पे? सुहेल जी आपको क्या लगता है, आप जाना चाहेंगे डेट पे? जरूर। फैंटास्टिक। नहीं बट भारती सीरियसली, आपके जो चेंज ओवर्स थे ना आपके परफॉर्मेंस में, मतलब कमाल के थे। इन द सेम ब्रेथ, वो एक ही सांस में आप जो सिडक्टिव से आप एक भारतीय नारी बन जाती थी, फिर भारतीय नारी से यू नो बिकेम अ सिडक्टिव, एंड सिद्धार्थ गिव यू ग्रेट सपोर्ट। और वो और वैसा ही होना चाहिए, यू नो जब कोई जोर में है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जब ये कौवे बन के आए, यू नो हिज लाइन्स वर डोमिनेटिंग एंड देन यू गेम फुल सपोर्ट। सो एज अ टीम यू गाइज आर फन Fantastic and you'll compliment each other. During the performances, आपने जो variations लेके आए, I was very impressed. Thank you. अर्चना जी, आपका क्या ख्याल है इस act के बारे में? I think you both packed the punch. आप दोनों की performance, आप दोनों ने जो variation दिया है इस act में, वो कमाल का है। दोनों की performances नहीं script को उठाया है। Punches कम थे, लेकिन आपने उसमें अपना sexypana डालकर उसको उठाने की कोशिश की। लेकिन ये सब भारतीय हमने देखा है, and you've done it also. सो मैं स्क्रिप्ट से थोड़ा मायूस हूँ, लेकिन आप दोनों की परफॉर्मेंसेस से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। यू बोथ वर अमेजिंग। तो अर्चना जी, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे? हालांकि मैं आपको पहली बार पॉइंट्स दे रही हूँ, आई विश मैं आपको पिछले परफॉर्मेंस के लिए पॉइंट्स दे सकती, लेकिन मैं सख्ती से ही ये दे सकती हूँ। 7 पॉइंट्स सोहेल जी। देखिए वेरी ऑनेस्टली, मुझे थोड़ा सा ये जो मॉर्बिड ह्यूमर होता है, डार्क ह्यूमर होता है, मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि अगर कोई आदमी गिरता है तो मैं हंसने लग जाता हूँ। अब लोग झूठ बोलते हैं कि और वो हंसते हंसते अपना मुंह छुपा देते हैं, लेकिन यस जब मैंने वो देखा कि आपके पति मरे थे और जैसा बिहेव कर रहे थे, फिर ये जो पंडित आया, फिर कौवा आया, इट डजंट मेक एनी सेंस, बट दैट्स व्हाट आई लाइक इन कॉमेडी। देर शुड बी नॉन सेंस, अदरवाइज देर इज नो कॉमेडी इफ इट इज यू नो सीरियस। मैं आपको तो कुछ ज्यादा देना चाहूंगा, लेकिन वो मैं सोचूंगा मैं एंड तक रखूं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए 9 पॉइंट्स। सिद्धार्थ आपके पहले पॉइंट थे जरूर, लेकिन आखिरी नहीं, आगे बहुत सारे एपिसोड हैं और आप मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तब तक के लिए प्लीज